हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईपीएफओ का एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन हो चुका है, तो हमारे पास अब बहुत अच्छा खासा टाइम बचता है, तो इसमें हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे अपने सब्जेक्ट्स को, ठीक है। अब दोस्तों, अभी तक हम एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म के दो पार्ट्स देख चुके हैं। पार्ट वन में बेसिकली हमने जो चीज़ देखी थी, दैट वॉज कि वर्ल्ड वॉर वन से पहले क्या सिनेरियो था, क्या डेवलपमेंट्स थी, दैट इज़ प्री वर्ल्ड वॉर वन। और पार्ट टू जो था, इसमें बेसिकली हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या चेंजेस आए, एंड इट वॉज फ्रॉम द पीरियड वर्ल्ड वॉर वन एंड टू योर अप टू इंडिपेंडेंस 1947, ठीक है। अब पार्ट थ्री में बेसिकली हमने क्या देखना है, पार्ट थ्री में हम देखेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट्स हमारे ट्रेड यूनियनिज्म में क्या आई इंडिया के अंदर। तो बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस एवोल्यूशन हमारा जो है इस पर्टिकुलर वीडियो का टारगेट रहेगा समझने का। इससे पहले हम अपना लेक्चर शुरू करें, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दीज एमसीक्यू कोर्सेज। आप सब जानते हैं, पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, आपके डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्सेज हैं ये। इसमें आपके टेस्ट रहेंगे, डिफरेंट टेस्ट रहेंगे, 30 क्वेश्चंस का इसमें आपका हर टेस्ट रहेगा। तो ये कोर्सेज जो हैं आप हमारे देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो वहाँ पर जाके आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको कॉम्बो कोर्सेज भी मिल जाएंगे, जैसे आप गैप लॉ, जनरल साइंस और सोशल सिक्योरिटी का कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं, गैप और इंडस्ट्रियल लॉ का कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं, तो वो कॉम्बो कोर्सेज भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एवोल्यूशन की बात करते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस एवोल्यूशन अगर हम देखें ट्रेड यूनियनिज्म का, तो इसको हम पांच फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फेज़ वन जो है बेसिकली आपका 1947 से 1960s तक का रहेगा, फेज़ टू 1960s से 79, फेज़ थ्री आपका रहता है 1980 से 1991, फेज़ फोर आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद से 2000 तक, और फेज़ फाइव आपका 2000 एंड जो कंटिन्यू चल रहा है टाइम, ठीक है। तो इन पांचों फेजेस को हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इनमें हुई, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हमारे निकल करके आएंगे। मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताता रहूँगा कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन कहाँ से कैसे फ्रेम आपके हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फेज़ वन अगर हम बात करें तो 1947 से लेकर के मिड 1960s तक, अराउंड 1964-65 तक। तो आप सब जानते हैं कि जब इंडिया को आज़ादी मिली, उसके बाद जब प्लानिंग कमीशन बना हमारा और हम प्लानिंग की तरफ चले, तो बेसिकली हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बने, ठीक है। हमारा जो मेन एम्फोसिस था वो स्टेट प्लानिंग के ऊपर था, ठीक है। सरकार ये चाहती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा डेवलप था नहीं और हमारे यहाँ पर पुअर लोग भी बहुत ज़्यादा थे, तो सरकार ने ये सोचा कि नहीं, स्टेट को खुद से जो है इकोनॉमिक रोल प्ले करना पड़ेगा, जिसकी वजह से स्टेट प्लानिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस था। और इसी वजह से बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को भी सेट किया गया। अब इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का दो मकसद थे, एक तो कंट्री की डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट, ताकि कंट्री में और प्रोडक्ट्स बन सकें और सर्विसेज आ सकें, और दूसरा इसका वन ऑफ द मेन एजेंडा था वो था एम्प्लॉयमेंट, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा सके। देखिए, जब देश को आज़ादी मिली उस समय हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो हमारे जो उस समय के लीडर्स थे उनको ये बात पता थी कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर अगर किसी देश की पॉपुलेशन डिपेंडेंट होगी तो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर उससे बन जाता है और उससे ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। इसी वजह से वो चाहते थे कि इस एग्रीकल्चर की कुछ डिपेंडेंसी को शिफ्ट किया जाए इंडस्ट्री के ऊपर, तो एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड कराना भी वन ऑफ द मेन एजेंडा जो है आपके इस फेज का था। उसके बाद अगर आप देखें, स्टेट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल एंड इंटरवीन्ड इन इश्यूज लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस। अब हमारे देश में ब्रिटिशर्स के समय में बहुत ज़्यादा जो है वेजेस बहुत लो पी की जाती थी, ठीक है। कोई मतलब सिस्टम नहीं था कि कितने घंटे काम करा रहे हैं, उसके हिसाब से कोई वेजेस नहीं थी, अकॉर्डिंग टू वर्क वेजेस वर वेरी लो, ठीक है, और वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी। तो सरकार ने, स्टेट ने अब अपने आप को ये डिसाइड किया कि हाँ भैया, हमें इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, ताकि हम वेजेस वगैरह को डिसाइड कर सकें और वर्किंग कंडीशंस को भी रेगुलेट कर सकें। और आज़ादी से ठीक पहले बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी आ रहे थे ब्रिटिशर्स के, जब जाने का समय हुआ उस समय बहुत सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स निकल के आ रहे थे, बहुत सारी स्ट्राइक्स हो रही थी। इसी वजह से ये भी डिसाइड किया गया कि एक नया एक्ट लेकर आया जाएगा जो होगा आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये पर्टिकुलर एक्ट जो है, जो भी लेबर और एम्प्लॉयर्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे वो वेजेस को लेकर के हों, चाहे वो वर्किंग कंडीशंस को लेकर के हों, उन सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की ये पर्टिकुलर एक्ट कोशिश करेगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप देखें, इस एक्ट ने कंपलसरी एडुकेशन ऑन परमानेंट बेसिस एक नियम बना दिया कि कंपलसरी एडुकेशन करनी पड़ेगी, कोई भी
कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो यू कैन नॉट लेट इट गो, आप उसको ग्रो नहीं होने दोगे, आप उसको वहीं पर एडजुडिकेट करके सोल्यूशन निकाल करके जो है काम खत्म कर दोगे. ऑलराइट, अब अगर आप देखो इस फेज में कुछ इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट्स आई, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियंस आई, ठीक है, जो आगे चल करके आपकी नेशनल लेवल की ट्रेड यूनियंस बनी और जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लेबर मूवमेंट में इंडिया में, ठीक है. अब जैसे आपकी INTUC है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये बन गई मई 1947 में, और पहले इसके जो प्रेसिडेंट बने वो कौन थे, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आपके आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर थे. अब देखो यहाँ पर ये डायरेक्ट आपके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो आसान सा सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो कि भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट चेयरमैन और द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ योर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस. इसमें कहीं पर भी कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है. INTUC है जो क्योंकि काफ़ी इसने ग्रो किया और INTUC को सरकार ने राइट दे दिया कि आप अपने वर्कर्स को नॉमिनेट कर सकते हो ILO में. अब ILO में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ILO इज़ अ ट्राइपेटाइट ऑर्गेनाइजेशन, द ओनली UN ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अ ट्राइपेटाइट ऑर्गेनाइजेशन. ट्राइपेटाइट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि इसमें सरकार भी पार्टिसिपेट करती है, गवर्नमेंट्स भी पार्टिसिपेट करती हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ ही साथ जो आपके लेबर क्लास जो लोग हैं, इम्प्लॉयज़ हैं और इम्प्लॉयर्स हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसी वजह से इसको ट्राइपेटाइट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. तो INTUC को भी ये राइट दिया गया कि वो अपने लोगों को, अपने मेंबर्स को जो है डेलीगेट कर सके ILO में, ठीक है. उसके बाद अगर आप देखो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी जिसकी फॉर्मेशन 1920 में हो चुकी थी, उसमें से एक सोशलिस्ट जो तबका था वो बाहर निकला, उसने अपनी अलग पार्टी बनाई और उस पार्टी का उन्होंने नाम रखा हिंद मजदूर पंचायत, जो आगे चल करके हिंद मजदूर सभा बनी. ये भी आपकी एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, नेशनल लेवल की ट्रेड यूनियन आपकी ये रहती है, ठीक है. उसके बाद 1949 में एक अलग ट्रेड यूनियन बनी जिसका नाम था यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और ये बनी थी किसकी लीडरशिप के अंडर, ये मृणाल कांति बोस की लीडरशिप के अंडर बनी थी. ये जो पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन थी ये मार्क्सिस्ट थी अप्रोच में, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि क्लासलेस सोसाइटी एक क्रिएट की जा सके और जो यूनियनिज्म हो वो नॉन पॉलिटिकल हो, यानी कि ट्रेड यूनियन जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ना करें, ठीक है. उसके बाद 1954 में आपकी भारतीय मजदूर संघ जो है वो बनी अंडर द एजेस ऑफ जनसंघ पार्टी, जो आगे चल करके आपकी भारतीय जनता पार्टी बनी. अब ये इतना सब इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखो जैसे अब मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट कौन था पहला इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, ठीक है. बाकी चीज़ें ये सब इम्पॉर्टेंट क्यों है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूनियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसकी लीडरशिप में बना, तो आप कह दोगे मृणाल कांति बोस में. एक तरह से और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो सारी ट्रेड यूनियंस जो आपको यहाँ पे मैंने 4 या 5 ही ट्रेड यूनियंस बताई हैं, ये सारी ट्रेड यूनियंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सारी आपकी नेशनल लेवल की ट्रेड यूनियंस हैं जो लेबर मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. अब क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है आपके एग्जाम के लिए वो देख लो. देखो क्वेश्चन बन सकता है आपसे अरेंज द फॉलोइंग वाला, क्रोनोलॉजी वाला, ठीक है. अरेंज द फॉलोइंग ट्रेड यूनियंस इन ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट, मतलब जब जिस साल वो बनी उसके हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है. ऑप्शंस में आपको दे दिया इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दैट इज योर INTUC, ओके, हिंद मजदूर सभा दे दिया, HMS, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, तो आपको इनके इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से अरेंज करना है, ठीक है. तो अभी हमने देखा कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आपकी कब बनी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आपकी बनी 1947 में, ठीक है. 1947 में आपकी बनी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा बनी आपकी 1948 में, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी आपकी 1949 में, और भारतीय मजदूर संघ बना आपका 1954 में. तो यहाँ से हमें क्रोनोलॉजी जो है क्लियर हो जाती है. तो आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आंसर ए जो है सही जवाब रहेगा, ठीक है. तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको रेडी उसके लिए रहना है, ओके. अब फेज़ 1 के बाद आता है आपका फेज़ 2. अब ये जो पर्टिकुलर फेज़ 2 था ये 1960s से लेकर के 1979 तक चलेगा, ठीक है. और इस पीरियड में आप देखोगे कि इंडिया में कहीं हद तक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आना शुरू हो गया, पॉलिटिकल टर्मोइल आना शुरू हो गया. अब इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की अगर हम बात करें, आप देख सकते हो कि इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसीलिए लेकर आए थे क्योंकि वहाँ पर हमारे फूड प्राइसेस जो थे, फूड क्राइसिस हमारे देश में आने वाले हो गए थे. और इस पीरियड के अंदर अगर आप देखो 1960s से लेकर 1979 तक की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया ने 3 वॉर्स लड़े, ठीक है. 1962 में चाइना के साथ लड़ाई हो गई, फिर 1965 में
पाकिस्तान के साथ, और 1971 में भी आपका पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, ठीक है, तीन लड़ाइयाँ लड़ी गई। पॉलिटिकल टर्मोइल की बात करें अगर हम, तो नेशनल इमरजेंसी इस पीरियड में डिक्लेयर कर दी गई थी। तो इस इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट रेट था वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होना शुरू हो गया, ठीक है, नौकरियाँ लोगों को कम मिलने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो देश में बढ़ने लगा। और इसी वजह से देखो अब एम्प्लॉयमेंट तो स्लो डाउन हो ही गई, उसके अलावा बहुत सारी ट्रेड यूनियंस भी इमर्ज होने लगी छोटी छोटी, ठीक है। अब ट्रेड यूनियंस, जब ज़्यादा ट्रेड यूनियंस इमर्ज होंगी उसकी वजह से क्या हुआ, इंटर यूनियन राइवलरीज बढ़ गई, आपस में दो यूनियंस के बीच में राइवलरी होनी शुरू हो गई। किसी यूनियन की आइडियोलॉजी कुछ थी तो किसी दूसरी यूनियन की आइडियोलॉजी कुछ थी, तो मेनली ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ यूनियंस का नहीं था, ये कन्फ्लिक्ट हुआ किसका, आइडियोलॉजीज का, ठीक है। अब ऐसे समय में कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए यूनियंस भी फॉर्म हुई, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियन जो है वो थी आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेवा एब्रीविएशन आपको पता होनी चाहिए, सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि सेवा किस लिए स्टैंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ट्रेड यूनियन थी ये वुमेन ट्रेड यूनियन थी एक, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वुमेन को एक साथ ज्वाइन करने के लिए ये पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन बनाई गई थी। 1972 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और ये बनाई गई थी मिसेज इला भट्ट के गाइडेंस में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सेवा के ऊपर क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। इसी साल 1972 में ही जो आपकी तीन सेंट्रल ट्रेड यूनियंस थी, जो नेशनल लेवल की ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस थी, हिंद मजदूर सभा, INTUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इन तीनों ने एग्री किया कि ये एक नेशनल लेवल का काउंसिल बनाएंगे जिसको कहा जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। इस नेशनल काउंसिल का मेनली पर्पस क्या होगा, ताकि ये आपस में ये जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो मल्टीपल ट्रेड यूनियंस हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें आपस में एक दूसरे के बीच, और कॉपरेशन डेवलप कर सकें, ठीक है, ताकि ये जो इंटरेस्ट है वर्किंग क्लास का उसको और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। अभी तो क्या था, अभी तक क्या हो रहा था कि ये तीनों अपनी अपनी डिमांड्स रख रहे थे और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काम कर रहे थे, पर जब तीनों ही वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं तो अगर तीनों एक साथ कॉपरेट करके काम करेंगे तो वो अपनी डिमांड्स को बेटर रिप्रेजेंट जो है वो कर पाएंगे, ओके। उसके बाद अगर हम फेज टू की बात करें तो जब तक लेट 1970s के पीरियड तक, 78-79 के पीरियड तक पहुंचते बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय यूनियंस और इकोनॉमिक यूनियनिज़म्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया, ठीक है। और ऐसे समय में काफ़ी लोग, काफ़ी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़, दत्ता सामंत जैसे इन्फ्लुएंशियल ट्रेड यूनियन लीडर्स का भी इमरजेंस इस समय में हुआ। ये जो ट्रेड यूनियन लीडर्स थे जैसे दत्ता सामंत जैसे, ये इनकी जो अप्रोच थी काफ़ी रेवोल्यूशनरी अप्रोच थी, ठीक है। अगर आप दत्ता सामंत के बारे में देखें, ही इज़ अ वेरी यू नो पॉपुलर ट्रेड यूनियन लीडर इन इंडियन ट्रेड यूनियन हिस्ट्री, ठीक है, इसीलिए इनके नाम के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए अगर घुमा के कहीं से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए आपसे, ठीक है। दत्ता सामंत आपसे पूछा जा सकता है कि दत्ता सामंत वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो आप कह दोगे ही वॉज अ ट्रेड यूनियन लीडर। क्वेश्चन देखो UPSC आपसे किसी भी तरह में पूछ सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हर एक्सपेक्ट में अपने आप को रेडी रखें। तो अगर आप देखें दत्ता सामंत की जो अप्रोच थी, इट वॉज क्वाइट रेवोल्यूशनरी। लंबी लंबी स्ट्राइक्स को ये रिजॉर्ट करते थे, ठीक है, इकोनॉमिक डिमांड इनकी काफ़ी हाई होती थी, ठीक है, लेजिस्लेटिव स्ट्रगल जो था काफ़ी इनका, मतलब जो भी है पूरा सिस्टम से लड़ जाया करते थे, ठीक है, और यहाँ तक कि वॉयलेंस का इस्तेमाल भी कर लिया करते थे जो इनके अपोनेंट वर्कर्स होते थे या जो अपोनेंट ट्रेड यूनियंस होते थे, ठीक है। तो पूरा रेवोल्यूशनरी अप्रोच था इनका, और पूरा हिला देने वाला जो था ये समय था जो दत्ता सामंत के समय में था। उसके बाद आता है नेक्स्ट फेज, फेज थ्री, 1980-1991। कुछ खास नहीं हुआ, एक आधे बिल इंट्रोड्यूस किए गए लोकसभा में जिसने ये प्रपोजल रखा कि, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया ना फेज टू में भी ये चीज़ देखने को मिली कि ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस, छोटी छोटी ट्रेड यूनियन बने जा रही थी। तो अब इस बिल ने क्या ट्राई किया, इस बिल ने ये ट्राई किया कि जो क्वालिफाइंग मेम्बरशिप है वो फिक्स कर दी जाए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी एक बंदा खड़ा हो गया और उसने कह दिया मैंने तो अपनी ट्रेड यूनियन बना ली। तो इसने क्या ट्राई किया कि ये इस बिल ने क्या बोला, इस बिल ने बोला कि अगर आपको ट्रेड यूनियन फॉर्म करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी में आपको ट्रेड यूनियन फॉर्म करनी है, उस कंपनी में 20 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो आप ट्रेड यूनियन सिर्फ तभी फॉर्म कर सकते हो जब इन 200 लोगों में से 10% यानी कि 20 लोग या
ठीक है, इसमें से 20 लोग जो हैं आपकी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर लें, 20 पीपल मस्ट बी देयर टू ज्वाइन योर ट्रेड यूनियन, तभी आप ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब आप कहोगे कि नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 90 ही लोग हैं, ठीक है, तो उसका 10% हो गया 9, तो ये लोग जो हैं ये ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक लिमिट लगा दी गई कि कम से कम 10 लोग तो ट्रेड यूनियन का पार्ट होने ही चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी फैक्ट्री में सिर्फ 90 लोग काम कर रहे हैं, 90 लोग काम कर रहे हैं, तो उसका 10% 9 हो गया, तो वो 9 लोग जो हैं ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। तो इस केस में ये 9 लोग ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम 10 होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये वाला केस जो है, क्योंकि देखो जब 200 थे तब तो आपका 10% 20 बन रहा था, तो ये मिनिमम वाली सिचुएशन अपने आप जो है सेटिस्फाई हो रही थी, पर अभी 9 के केस में ये सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसीलिए मिनिमम 10 तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये एक अमेंडमेंट लेकर आया गया था ताकि ट्रेड यूनियंस को कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद अगर आप फोर्थ फेज देखो 1991 टू 2000, अब 1991 में आपके LPG रिफॉर्म्स आए। ठीक है, LPG क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो LPG रिफॉर्म्स जो हैं आपके इस समय में आने की बातें हो गई कि भैया LPG रिफॉर्म्स आएंगे। अब लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, सरकार जो है उसने अपने आप को बाहर करना शुरू कर दिया काफ़ी सेक्टर्स से, और प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो एरिया था इसको इसी वजह से बोला गया ट्रांजिशन फेज ट्रेडिशनल और मॉडर्न ट्रेड यूनियनिज्म में, क्योंकि ट्रेडिशनल ट्रेड यूनियनिज्म में तो क्या था, सरकारी फैक्ट्रियां थी, सरकार के अंदर लोग काम कर रहे थे और काफ़ी हद तक लोग सेटिस्फाइड थे। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर आना शुरू हो गया, और जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर आना शुरू हुआ वैसे वैसे जो लेबर क्लास था वो और ज़्यादा इनसिक्योर होना शुरू हो गया, क्योंकि वो सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट सेक्टर में थी पहले उनको, वो सिक्योरिटी अब प्राइवेट सेक्टर में उनको नहीं मिल रही थी। तो एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब सारा सिस्टम चेंज होने लग गया, पहले बिजनेसेस दूसरे तरीके से चलते थे, अब बिजनेसेस दूसरे तरीके से चलने लगे। तीसरा, ग्लोबलाइजेशन भी आ गया, अब ग्लोबलाइजेशन से मल्टीनेशनल कंपनीज आने लगी। पहले तो था सरकारी अगर आप देखो आज भी डिपार्टमेंट रिजिडिटी हुआ करती थी कि भाई 10 बजे जाना है 5 बजे उठ जाना है। ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के आने से क्या हुआ, जो सरकारी विभाग थे उनमें भी कॉम्पिटिशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, और इस कॉम्पिटिशन की वजह से जो पहले वर्कर्स रिजिड थे एक स्टेबिलिटी वाले सिस्टम में काम कर रहे थे, अब उनको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, उनको ओपन टू चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक प्राइवेट सेक्टर बैंक ने कोई नया प्रोडक्ट ले आए, कोई नई टेक्नोलॉजी ले आए, तो पब्लिक सेक्टर बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले ये हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते कि हमने क्या करना, हम तो भैया बाबू बन के बैठेंगे, ऐसा नहीं है, उनको भी अब काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो मार्केट से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के आने से रिजिडिटी को रिप्लेस कर दिया गया और उसकी जगह फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू होगी। अगर आप आगे देखो, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ ट्रेड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बाय रिवाइवल एंड अमेंडमेंट ऑफ लेबर लेजिस्लेशंस, लेबर लेजिस्लेशंस को भी अब स्मूदन किया गया ताकि जो प्राइवेट सेक्टर एंटर कर रहा है या जो मल्टीनेशनल कंपनीज एंटर कर रही हैं वो, नहीं तो अगर इतने स्ट्रिक्ट लेबर लॉज आप रखोगे तो वो आएंगे ही नहीं, वो काम ही नहीं करेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ तो काम करना ही मुश्किल। अगर इंडिया आज भी मेक इन इंडिया की बात करता है तो उसमें वो इन्हीं लेबर लेजिस्लेशंस को स्मूदन करने की बात करता है कि किसी तरह से इन लेबर लेजिस्लेशंस को स्मूदन कर दिया जाए। ओके, उसके बाद आता है आपका फेज़ 5। फेज़ 5 में अगर आप देखो 2000 और उससे आगे का समय जो भी अभी चल रहा है इसमें हम फेज़ 5 की बात करते हैं, तो अगेन ट्रेड यूनियन एक्ट में कुछ चेंजेस लेकर आए गए। ठीक है, कुछ अमेंडमेंट्स पास किए गए 2001 में। अगेन ट्रेड यूनियंस को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले कोशिश की गई, क्योंकि ट्रेड यूनियंस जो बढ़ रही थी वो उनको किस तरह से रोका जाए। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट ने क्या बोला जो 2002 में लागू हुआ, कि कोई भी ट्रेड यूनियन उसको अगर रजिस्टर करना है तो एटलीस्ट 10% और 100 विच एवर इज लेस सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 7 वर्कमैन। ठीक है, अगर आप कोई ट्रेड यूनियन फॉर्म करना चाहते हो तो या तो आपके पास कम से कम 10% लोग होने चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के, और या 100 लोग होने चाहिए, विच एवर इज लेस, मिनिमम 7 होने चाहिए। ठीक है, पहले मिनिमम कितना था जो 1981 में आ रहा था उसमें 10 था, अब मिनिमम क्या कर दिया, 7 कर दिया। अब फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 80 लोग हैं और अगर आप ट्रेड यूनियन फॉर्म करना चाहते हो तो मिनिमम कंडीशन है 7। ठीक है,
एक तो आपके पास 7 तो होने ही होने चाहिए, उसके बाद कहता है 10% भी होने चाहिए। अब 10% 80 का कितना होता है, 10% 80 का होता है 8 मेंबर्स, तो 7 के होने से यहाँ पर आपकी बात नहीं बनेगी, आपके पास कम से कम 8 होने ही चाहिए। अब फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 लोग हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर 10,000 लोग हैं तो यहाँ पर कंडीशन है 10% और 100 विच एवर इज मिनिमम। अब 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 होता है, ठीक है, तो क्या आपको 1,000 लोग चाहिए कम से कम एक ट्रेड यूनियन फॉर्म करने के लिए, नहीं, आपको कम से कम 100 लोग चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया है 10% और 100 विच एवर इज लेस। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो ये 100 वाला नंबर ही उसमें लगता है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, और कम से कम 7 तो होने ही चाहिए। अब आप ये नहीं कह सकते अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 50 लोग हैं तो आप कह दो कि इसके 10% होते हैं 5 लोग, तो 5 लोग अगर हैं तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं, नहीं, आप उस केस में ऑर्गेनाइजेशन नहीं फॉर्म कर सकते क्योंकि मिनिमम 7 तो होने ही चाहिए। आई थिंक आपको ये वाली चीज जो है, कंसेप्ट जो है, क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज, इस अमेंडमेंट ने ये भी बोल दिया कि ऐसा नहीं है कि एक बार दिखाने के लिए आपने मिनिमम नंबर वाला जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर लिया और उसके बाद वो लोग छोड़ के चले गए, कि भाई आपने किसी तरह लोगों को पैसे वैसे देके एक बार कह दिया कि भाई तू मेरी ऑर्गेनाइजेशन को एक बार, मेरी ट्रेड यूनियन को एक बार ज्वाइन कर ले, उसके एक महीने बाद तू छोड़ दियो जब मेरी ट्रेड यूनियन को लाइसेंस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, जहाँ पे आपके सिर्फ 80 लोग थे और आपको 10% चाहिए थे 8, लेकिन आपके पास सिर्फ 5 ही लोग हैं, ठीक है, आप दो लोगों को पकड़ के ले आए और अपनी फैक्ट्री में से कि भाई अभी मेरे को ज्वाइन कर ले और बाद में मेरे को छोड़ दियो लाइसेंस मिलने के बाद, तो ऐसा नहीं है। ये जो मिनिमम नंबर की लिमिट है इसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा हर समय, अगर आप इसको मेंटेन नहीं करते हो तो आपकी ट्रेडिंग जो है अवैध हो जाएगी, जो रजिस्ट्रेशन आपको मिली है वो खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर था ट्रेड यूनियन एक्ट का। अभी आपसे सीधा सीधा सवाल में पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू अ ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926 अगर किसी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो ये वन ऑफ द कंडीशन है जो आपसे सीधा सीधा सवाल में पूछी जा सकती है, भाई 10% है, 5% है, 8% है, 100 है, 200 है, क्या है, तो ये सारा आपको नंबर्स इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ये इंडस्ट्रियल लॉ वाले पार्ट में आपके कवर हो जाता है। ओके, उसके बाद अगर आप देखो फेज 5 2007 आप जानते हो इकोनॉमिक रिसेशन आया। अब इकोनॉमिक रिसेशन के आने से क्या हुआ, लार्ज नंबर पे लोगों की नौकरियां जानी शुरू हो गई, ठीक है, इसकी वजह से जो ट्रेड यूनियंस थी उन्होंने देखा कि उनको और ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में इंप्लॉयर क्या करेगा, इंप्लॉई को बाहर निकाल देगा, ठीक है, और अपने आप को इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और विजिलेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो नौकरियां हैं इसको सेव नहीं कर पाएंगे, और अगर लोगों को ही बाहर निकाल दिया तो ट्रेड यूनियन का भी अपने आप वजूद जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से अब ट्रेड यूनियंस इस इकोनॉमिक रिसेशन के बाद और ज़्यादा विजिलेंट होनी शुरू हो गई, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है जब जेट एयरवेज के स्टाफ की मास रिट्रेंचमेंट ट्राई की गई, तो वहाँ की जो ट्रेड यूनियन थी वो स्ट्राइक पर चली गई कि भैया अगर हमारे इंप्लॉयज़ को निकालोगे तो हम सारे जो हैं स्ट्राइक पर जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ जो है ट्रेड यूनियंस के सामने आई कि इकोनॉमिक रिसेशन या इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी के टाइम पर जब इंप्लॉयर ये कोशिश करेगा कि बाकी के इंप्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उस समय उनको क्या रोल प्ले जो है वो करना है। उसके अलावा ट्रेड यूनियंस ने इस समय में ये भी देखा कि उनको नई प्रैक्टिसेस और नई अप्रोचेस को जो है सीखना होगा, उनको नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ चलना होगा, ताकि जो वर्कर्स हैं, जो लेबर क्लास है, जिनको उस टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, वो उनको उस टेक्नोलॉजी से अवेयर कर सकें ताकि वो अपनी जॉब ना लूज़ करें, ठीक है। तो ये भी एक रोल जो है, एक एजुकेशन का रोल या एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का रोल भी ट्रेड यूनियंस ने इस पर्टिकुलर फेज़ में लिया। और इस पर्टिकुलर फेज़ में जो आपका फिफ्थ फेज़ है जो 2000 के बाद शुरू हुआ, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि वुमेन पार्टिसिपेशन जो है ट्रेड यूनियंस में वो भी बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। तो ये था आपका फिफ्थ फेज़। तो ओके फ्रेंड्स, इसमें हमने 5 फेजेस देखे आपके ट्रेड यूनियन की डेवलपमेंट के। अब हमारा एवोल्यूशन हो चुका है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फंक्शंस ऑफ अ ट्रेड यूनियन, कि एक ट्रेड यूनियन जो बनती है तो इसके बेसिकली ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो अगर यूपीएससी आपसे पूछता है तो उसमें ये आपको फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन हेल्प करेगा। तो अभी के लिए इतना ही, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा आप हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर अगर आपको कोई भी डाउट होता है, और आप मेल कर सकते हैं हमें शिक्षित@gmail.com पर। ओके,
तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बाय बाय।